प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में बयान देकर राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह तो आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन में फंस गए हैं। अब जयपुर के एक नामी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी गवर्नर कल्याण सिंह की तरह निर्वाचन आयोग के निशाने पर है। ये वाइस चांसलर हैं महात्मा ज्योतिबा फुले विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर निर्मल पनवार। आरोप है कि 1 अप्रैल को जयपुर शहर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति खंडेलवाल के पक्ष में वे न केवल उनके साथ खड़े रहे बल्कि स्वेज फार्म सोढ़ाला स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले कॉलेज की छात्राओं और शिक्षिकाओं के सामने ज्योति खंडेलवाल का संबोधन भी करवाया है। ज्योति खंडेलवाल की ओर से जारी प्रेस रिलीज में भी निर्मल पनवार ज्योति खंडेलवाल के साथ खड़े हैं और उनके सामने कॉलेज की छात्राएं और शिक्षिकाएं थीं। यह कॉलेज विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मतदान केंद्र भी है, जहां आसपास के कई बूथों के हजारों मतदाता यहां वोट डालने आते हैं। भाजपा का आरोप है कि वाइस चांसलर ने निर्वाचन आयोग की आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए न केवल अपने कॉलेज में कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति खंडेलवाल का जनसंपर्क करवाया बल्कि उनके साथ खड़े होकर ज्योति खंडेलवाल के पक्ष में वोट देने की अपील की है। यह सीधे तौर पर आचार संहिता का उल्लंघन है। एक तो कॉलेज कैंपस में जनसंपर्क नहीं कर सकते हैं, अगर कोई प्रत्याशी आ भी गया तो उसके लिए छात्रों को एकत्र करके सभा करने और जनसंपर्क की अनुमति नहीं दी जा सकती है। महात्मा ज्योतिबा फुले कॉलेज निर्वाचन विभाग राजस्थान का मतदान केंद्र है, ऐसे में वहां इस तरह से किसी प्रत्याशी का जनसंपर्क करवाना भी आचार संहिता का उल्लंघन है। इस मामले में भाजपा निर्वाचन आयोग राजस्थान को लिखित में ज्योति खंडेलवाल और कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ शिकायत करेगा। भाजपा मीडिया प्रकोष्ठ के प्रभारी विमल कटियार और निर्वाचन प्रकोष्ठ के शिवचंद साहू ने कहा कि किसी शिक्षण संस्थान में प्रत्याशी का जनसंपर्क करवाना गलत है, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। हम ज्योति खंडेलवाल और कॉलेज प्रबंधन के निर्मल पनवार की शिकायत निर्वाचन आयोग में करेंगे। उधर कॉलेज प्रबंधन ने इस मामले में किसी तरह के बयान देने से बचते रहे। हालांकि वीसी निर्मल पनवार ने कहा, ज्योति खंडेलवाल कॉलेज आई थी लेकिन जनसंपर्क की बात गलत है।